वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ योर ग्रामर, सेंटेंसेस सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। मीन्स आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप्स, सिंपल सेंटेंस के बारे में, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। यू आर लर्न लिटिल अबाउट सेंटेंसेस। आप सबको पता है कि सेंटेंस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। हियर इन दिस चैप्टर वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेंटेंस कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। सेंटेंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, थ्री टाइप्स के हो सकते हैं, सिंपल कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अ सिंपल सेंटेंस इज वन ऑफ वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस एग्जामाइन करते हैं। आई लाइक मैथ्स बट माई ब्रदर लाइक्स केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पूरा एक सेंटेंस है जिसके अंदर हमने क्या लिखे हैं, जो कि एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है। नीतू वेंट टू द डोर एंड लुक्ड आउट बट सा नबडी। अब देखिए यहाँ पे भी क्या है, इसमें भी दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब देखिए फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है उसमें भी दो पार्ट है, आई लाइक मैथ्स, और दूसरा जो है उसमें माई ब्रदर लाइक्स केमिस्ट्री। इस तरह से दो सेंटेंस को ज्वाइन किया गया है। दिस टू पार्ट्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट। अब देखिए दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्या यूज़ किया है, एक वर्ड यूज़ किया है बट, जो क्या है, कंजंक्शन है, और वो एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर रहा है दोनों सेंटेंस को, इसलिए हमने उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहा। Each part is a clause because each part has a subject and a predicate. हर एक पार्ट जो होता है सेंटेंस का वो उसमें क्लॉज होता है, क्योंकि उसमें क्लॉज क्या कंटेन करता है, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट ऑफ इट्स ऑन। एंड ईच पार्ट इज अ सेंटेंस विच इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। क्लॉज होता है वो एक सेंटेंस का लार्जर पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रिडिकेट भी होता है। वी फर्दर नोटिस दैट ईच क्लॉज मेक्स गुड सेंस बाय इट्सेल्फ। देखिए हम अगर आगे पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि हर एक क्लॉज होता है उसमें एक अपना सेंस होता है, एंड हैंस कैन स्टैंड अलोन एज अ कम्प्लीट सेंटेंस। और कभी कभी क्लॉजेस जो होते हैं वो एक कम्प्लीट सेंस की तरह भी होते हैं, मतलब उनको पढ़ने का हमको समझ में आता है कि आखिर क्या कहा गया है। इच क्लॉज इज देयर फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर और ऑफ द सेम ऑर्डर और रैंक। हर एक जो क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है या और दूसरे पे सेम ऑर्डर पर या सेम रैंक को डिपेंड करता है। सच अ क्लॉज इज अ कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट क्लॉज। और इसलिए हम क्या कहते हैं उसे, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि उसकी जो दोनों रैंक, दोनों सेंटेंस की जो रैंक होती है वो सेम होती है। इसलिए सच अ सेंटेंस एज द फर्स्ट विच इज मेड अप ऑफ क्लॉज ऑफ इक्वल रैंक इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंस जो कि मेड अप ऑफ क्लॉजेस, मतलब इक्वल रैंक के क्लॉजेस से अगर सेंटेंस बना है तो आप उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। द सेकेंड सेंटेंस इज ऑल्सो अ कंपाउंड सेंटेंस, इट इज मेड अप ऑफ थ्री क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक। अब देखिए जो सेकेंड सेंटेंस हमने पढ़ा था, नीतू वेंट टू द डोर एंड लुक्ड आउट बट सा नबडी। नीतू ने बाहर, नीतू दरवाजे की तरफ गई और उसने बाहर देखा और लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे थ्री उसमें क्या दिया गया, थ्री सेंटेंस दिए गए, तीनों को ज्वाइन कर दिया गया है और तीनों की रैंक कैसी है, इक्वल। अ कंपाउंड सेंटेंस, सॉरी, एग्जामाइन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई नो द हाउस वेयर शी लिव्स। मुझे वो घर पता है जहाँ वो रहती है। दिस सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट है, आई नो द हाउस और सेकेंड है वेयर शी लिव्स, मतलब शी लिव्स वो जहाँ रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हमने क्या किया है, सेंटेंस के टू पार्ट्स बता दिए गए हैं और उसमें हमको समझ में आ रहा है कि आखिर सामने वाला क्या कहना चाहता है। इच पार्ट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ऑन एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस। हर एक पार्ट में एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है और एक लार्जर सेंटेंस का वो पार्ट होता है। इच पार्ट इज देयरफॉर कॉल्ड अ क्लॉज। और इसीलिए हम उस पार्ट को क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। वी फर्दर नोटिस दैट अ क्लॉज आई नो द हाउस मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड कैन देयरफॉर स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब देखिए आई नो द हाउस, मुझे वो घर पता है।
तो या मुझे अगर मालूम है तो वो पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। सच ए क्लॉज इज कॉल्ड प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, और इसीलिए ऐसे क्लॉजेस को हम प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं। बट द क्लॉज वेयर शी लिव्स डज नॉट मेक गुड सेंस बाय इटसेल्फ एंड कैन नॉट स्टैंड अलोन। अब देखिए वेयर शी लिव्स, ये जो क्लॉज है ये इसको हम आप मतलब अकेले अकेले नहीं दे सकता, ये दूसरे क्लॉजेस पर डिपेंड है और इसीलिए ये कंप्लीट सेंस भी नहीं बता रहा है। इट इज डिपेंड फॉर इट्स फुल मीनिंग अपॉन द प्रिंसिपल क्लॉज। अब देखिए ये जो क्लॉज है ये फर्स्ट वाला जो क्लॉज था उस पर पूरी तरह से डिपेंड था और इस प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड था, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं कह सकते। आई नो द बॉय, इट इज देयर फॉर कॉल्ड अ डिपेंडेंट और सबॉर्डिनेट क्लॉज, और इसलिए हम इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। सच ए सेंटेंस आज दीज विच इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। सच अ सेंटेंस एज दिस विच इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज, जिसमें क्या होता है एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक या एक से ज्यादा सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन दैट इज मेड अप ऑफ वन प्रिंसिपल क्लॉज एंड वन और मोर सबॉर्डिनेट क्लॉज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो एक प्रिंसिपल क्लॉज के द्वारा बना होता है और एक या एक से अधिक उसमें क्या होते हैं सबॉर्डिनेट क्लॉज होते हैं। नाउ जॉइनिंग सेंटेंसेस, टू और मोर देन टू सिंपल सेंटेंसेस कैन बी कंबाइंड टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। मतलब एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमको दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस ज्वाइन करना पड़ते हैं। दिस सेंटेंस कैन बी अ सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंस कैसे भी हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकते हैं। कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को कंबाइंड किया जाए। सम ऑफ द वेज इन विच वी कैन कंबाइन टू अ मोर सिंपल सेंटेंस टू मेक वन सेंटेंस आर डिस्कस्ड हियर। अब देखिए हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस को कंबाइंड करके एक सेंटेंस बना सकते हैं। बाय यूजिंग एन इनफाइनाइट, अब या तो इनफाइनाइट वर्ब हम यूज कर लें जैसे टू प्लस वर्ब। तो द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू सिंपल सेंटेंस आर कंबाइंड बाय यूजिंग एन इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब का यूज करके आप किस तरह से सेंटेंस को कंबाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज रामा वॉन्ट्स टू बाय अ कैमरा। नेक्स्ट एक और सेंटेंस में शी वॉन्ट्स टू शूट नेचर, सॉरी रोमा वॉन्ट्स टू बाय अ कैमरा, शी वॉन्ट्स टू शूट नेचर। अब देखिए यह दो सेंटेंस हैं कि रोमा जो है वो कैमरा खरीदना चाहती है और वह शूट नेचर को शूट करना चाहती है। अब दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया हमने, रोमा वॉन्ट्स टू बाय अ कैमरा टू शूट नेचर। रोमा कैमरा खरीदना चाहती है नेचर को शूट करने के लिए। अरुण इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। अरुण बहुत मोटा है, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। तो हम क्या कहेंगे, अरुण इज टू फैट टू रन फास्ट। अभी हमने देखिए टू बाय, टू शूट, टू रन है ना, ऐसा यूज किया था। अब हम यूज करेंगे बाय यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब में क्या अप्लाई करना है, आई एन जी अप्लाई करना है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शो हाउ टू सिंपल सेंटेंस आर कंबाइंड यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आप किस तरह से कंबाइंड कर सकते हो और कंबाइंड करके सेंटेंस बना सकते हो। शी ओपन द अलमीरा, शी टुक आउट द शर्ट। मीन्स उसने अलमीरा खोली, उसने शर्ट निकाली। दोनों सेंटेंस को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम लिखेंगे ओपनिंग द अलमीरा शी टुक आउट द शर्ट, मीन्स अलमारी खोल के उसने शर्ट निकाली। शी एंटर द रूम शी लाइट ऑन द सोफा, उसने घर में प्रवेश उसने रूम में एंटर किया और सोफे पे सॉरी नेक्स्ट डे वह सोफे पे लेट गई। तो दोनों को हमने ज्वाइन किया, एंटरिंग द रूम शी लाइट ऑन द सोफा, मीन्स एंटर रूम में एंटर करके वो सोफे पर लेट गई। कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंस इंटू कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए दो सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करके कंबाइन करके हम किस तरह से कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं वो हम देखेंगे।
Some ways of combining two or more simple sentence into a complex compound sentence are discussed here. अब हम यहाँ क्या discuss करेंगे? Compound sentence को discuss करेंगे. By using conjunction such as and, as well as, not only but also, etc. First sentence is I went to the shop. I bought this pens. आप देखिए दो sentence हैं यहाँ पर कि मैं shop पर गया, मैंने पेन खरीदे. दोनों सेंटेंस को ज्वाइन करके हम लिख सकते हैं कि मैं शॉप पर गया और मैंने पेन खरीदे. तो हम क्या लिखेंगे? आई वेंट टू द शॉप एंड बॉट दिस पेन्स. नेक्स्ट, शी सिंग्स, शी डांसेस. वो गाती है, वो नाचती है. शी सिंग्स एज वेल एज डांसेस मीन्स वो गाती भी है और नाचती भी है. बाय यूजिंग कंजंक्शन लाइक बट, बट शी एंड सो. कैसे यूज करेंगे इसका? शी इज फैट, हर ब्रदर इज थिन. वो मोटी है और उसका भाई पतला है. शी इज फैट बट हर ब्रदर इज थिन. वो मोटी है लेकिन उसका भाई पतला है. ही इज वेरी ओल्ड एंड वीक, ही कैन नॉट वॉक अलोन. वो बहुत ही बूढ़ा है, कमजोर है और वो अकेले नहीं चल सकता. ही इज वेरी ओल्ड एंड वीक सो ही कैन नॉट वॉक अलोन. वो बहुत ही बूढ़ा है और कमजोर है और इसलिए चल नहीं अकेले नहीं चल सकता. बाय यूजिंग कंजंक्शंस लाइक देयरफॉर, देयरफॉर एंड सो. देखिए देयरफॉर सो का यूज कैसे करेंगे? ही इज सिक, ही कैन नॉट सी वेल. वो कमजोर है, वो ठीक से देख नहीं सकता. ही इज सिक देयरफॉर ही कैन नॉट सी वेल. वो बीमार है इसलिए वो ठीक से नहीं देख सकता. कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल सेंटेंस इंटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. अब एक सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को ज्वाइन करके हम क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं. वी कैन कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंस इंटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय चेंजिंग वन ऑफ द सेंटेंस इंटू एन एडजेक्टिव क्लॉज, एन एडवर्ब क्लॉज एंड एन नाउन क्लॉज. मतलब एडवर्ब क्लॉज का यूज करके, नाउन क्लॉज का यूज करके और एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. द वेज टू कंबाइन सेंटेंसेस आर डिस्कस्ड हियर. अब देखिए कुछ वेज बता रही हूँ मैं आपको. बाय चेंजिंग वन ऑफ द सेंटेंस इनटू द एडजेक्टिव क्लॉज. अब देखिए एडजेक्टिव क्लॉज कौन से होते हैं? दिस इज द बॉय, ही स्टोल माय पेन. दो सेंटेंस, दिस इज द बॉय हु स्टोल माय पेन. तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज होगा क्योंकि हमने यहाँ पे हु अप्लाई किया है दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए. दिस इज रोड इट विल टेक यू टू द भोपाल, सॉरी टू द हॉस्पिटल. दिस इज द रोड विच विल टेक यू टू द हॉस्पिटल. अब देखिए विच जो है वो यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है. विच विच विल टेक यू टू द हॉस्पिटल क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज. इन दिस सेंटेंस अबोव द क्लॉजेस इन कलर आर एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज है जो कलर में है. You can see that adjective clause are introduced by words like who, which, that, why, where, whom and whose. जब ये words apply करके हम sentence बनाते हैं तो वो जो group होता है, जो इन words से start होता है, वो क्या कहलाता है? वो adverbial, sorry, adjective clause कहलाता है. Next, by changing one of the sentence into adverb clause. अब देखिए adverb clause देख लेते हैं. He hired a cab, he was getting लेट. यहाँ पे दो सेंटेंस है. ही हैड अ कैब बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट. द हॉकी मैच कुड नॉट बी प्लेड, इट रेंड हैवीली. सिंस इट रेंड हैवीली द हॉकी मैच कुड नॉट बी प्लेड. इसका राइट आंसर है. शी केम टू द स्टेज, शी स्टार्टेड सिंगिंग. वो स्टेज पे आई, उसने सिंगिंग करना स्टार्ट कर दिया. तो एज सून एज शी केम टू द स्टेज, शी स्टार्टेड सिंगिंग. I was getting ready, the phone rang. I was getting ready when the phone rang. तो दो सेंटेंस को ज्वाइन करके हम क्या बना रहे हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं. You are not careful, you will hurt yourself. If you are not careful, you will hurt yourself. In this sentence above, given above the clauses in the color are adverb clauses. अब देखिए जो पिंक कलर में आपको जो दे रखे हैं क्लॉज सेंटेंस वो क्या हैं? एडवर्बियल क्लॉजेस हैं. We can see that adverb clause are introduced by using words like because, since, as soon as, after, if, while, unless, when. ये सारे words से क्या बना सकते हैं आप? Adverbial clause बना सकते हैं और उनको identify भी कर सकते हैं. By changing one of the sentence into a noun clause. अब हम noun clause की बात कर रहे हैं कि noun clause वाले sentence कैसे होते हैं और आप उन्हें कैसे recognize करेंगे. She would be present, she said this.
आप देखिए सेंटेंस को हमने चेंज किया, शी सैड दैट शी वुड बी प्रेजेंट, उसने कहा कि वो प्रेजेंट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो पिंक कलर का जो दे रखा है सेंटेंस वो क्या होगा, एडवर्बियल सॉरी नाउन क्लॉज होगा। द नेक्स्ट वन इज आई डोंट नो व्हाई ही शाउटेड, आई डोंट नो व्हाई ही शाउटेड, ही न्यू दिस ही हैड मेड अ मिस्टेक, ही न्यू दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। देखिए फिर से पिंक कलर के व्हाई ही शाउटेड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, ये वर्ड्स क्या होंगे, ये सेंटेंस क्या होंगे, ये सेंटेंस होंगे नाउन क्लॉजेस। द एस्ट्रोनॉमर्स प्रूव्ड हिज लॉन्ग बैग द अर्थ इज राउंड, द एस्ट्रोनॉमर्स प्रूव्ड दिस लॉन्ग बैग दैट द अर्थ इज राउंड। तो ये पिंक कलर के जो वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स ये क्या हैं, ये नाउन क्लॉज हैं। नाउ नटशेल पढ़ लेते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस सिंपल एंड कंपाउंड होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होता है। अ सिंपल सेंटेंस इज द वन विच इज हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब, सिंपल सेंटेंस में क्या होती है वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब होता है। अ कंपाउंड सेंटेंस इज द वन दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, जो मेड अप ऑफ टू एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स टूडे आई एक्सप्लेन यू अबाउट द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेल। एंड फॉर द कंप्लीट नॉलेज यू हैव टू लर्न इट बेटर टू रिवाइज अगेन एंड अगेन। थैंक यू।